अभी हमारे पास एक सेकंड पेशेंट है, मिसेस नबीला। इन्होंने हमें अलाउ किया है कि हम इनकी वीडियो बना सकते हैं, अस्सलाम क्योंकि ये वालेकुम, मैसेज देना चाहती हैं। दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बट मैं सबके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी हॉस्पिटल में इस तरह एडमिट नहीं हुए, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा से आज मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन यकीन करें, सारे डॉक्टर्स, सारा स्टाफ बहुत अच्छा, कोऑपरेटिव। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो प्लीज़ अपने अपने डॉक्टर से, अपने स्टाफ से कोऑपरेट करें। कोऑपरेट ना करने की वजह से हम अंजाम की तक पहुंचते हैं, अदरवाइज इनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। कोई जो नेग्लिजेंसी है तो वो हम लोगों की तरफ से है, इसलिए प्लीज़ वो जिस जिस तरह आपको गाइड करते हैं उसको ओबे करें, उगारा उगारा उसको ओबे करें प्लीज़। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला इन सबको इन तकलीफों से दूर रखे, ये अल्लाह ने हमारे लिए मसीहा बना कर भेजे हैं। प्लीज़ इनकी रिस्पेक्ट करें और इनकी जिस जिस तरह की भी गाइडेंस है उस पर अमल करें। आमीन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये अभी आपने देखा कि नबीला साहिबा का जो सांस है वो बिल्कुल इतनी सी एफर्ट से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, इसलिए हमने इन्हें दोबारा इनके ब्रीदर मास्क के ऊपर अटैच कर दिया है। ये हमारी स्टाफ हैं, ये भी ड्यूटी कर रही हैं, काफ़ी ट्रबल में हैं। तो आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि काइंडली ट्राई टू रियलाइज इट इज़ अ रियलिटी, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू अडॉप्ट ऑल द प्रिकॉशंस। थैंक यू। ये हमारे पास पेशेंट है अली साहब, और ये भी आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस आईसीयू में क्या था, और सेकेंडली सेना मक्की के कहवे पीने के बाद इनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था। सेकेंडली चूंकि ये कई दिन से हमारे पास है, माशाल्लाह स्टेबल हैं, तो आपको ये भी गाइड करेंगे कि जिन लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर्स को $10,000 मिल रहे हैं जहर के टीके लगाने के, उसमें कितनी रियलिटी है और आईसीयू में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर जी, अली साहब अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले तो इन डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करें, ये दिन रात हमें अपना दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। मैं जिस कंडीशन में आया था और आज जिस कंडीशन में हूँ, यकीन करें ये सब इन लोगों की मेहरबानी। सेकेंडली सिर्फ और सिर्फ इनसे प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं, कोई घरेलू टोटके यूज़ ना करें, किसी की बातों में ना आए। ये सना मक्खी वाली बात है, मैं भी अल्लाह का कलाम हूँ, मैं उसमें डिनाई नहीं करता, अल्लाह पाक ने किसी को शफा भी दी होगी, बट दैट रियली हर्ट्स। आपका अंदर सारा ख़राब हो जाएगा, आपको इतने बार मोशन आएंगे कि आपसे उठना मुश्किल हो जाएगा और आप एक दिन आराम से गिर जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर उसको यूज़ करें। अगर ये रिकमेंड करते हैं तो ज़रूर यूज़ करें। ओके जी अली साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम अली साहब को भी आज स्टेप डाउन करेंगे ताकि ये स्टेबल हो।